नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी रटलो की सातवीं श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आप सभी लोग जबरदस्त प्रेम और स्नेह देते हैं रटलो श्रृंखला को। यह करंट अफेयर्स की व्याख्यात्मक श्रृंखला है जो आगामी समय में आपके प्रदेश में बड़ी परीक्षाएं आयोजित होनी है उनके लिए अचूक है। आपने देखा है पिछले कई दिनों से रटलो से प्रश्न आपके आते रहे हैं, बल्कि रटलो पूरा करंट अफेयर्स आपका कवर करता है। एक अनुरोध मैं आपसे हमेशा करता हूं, क्योंकि यह व्याख्यात्मक श्रृंखला है इसलिए आप पेन कॉपी हमेशा लेकर बैठें, क्योंकि 50 प्रश्न तो हम लोग हल करते हैं लेकिन लगभग 150 प्रश्न इसमें से निकलते हैं। अगर आप सारा पेन डाउन करते हैं तो चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, कोई भी प्रश्न आपका यहां से गलत नहीं होगा। लगभग सभी प्रश्न आपको इसी रटलो श्रृंखला से मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी संस्था की तरफ से आपको दे दूं। हमारी संस्था में यूपीपीसीएस से संबंधित जबरदस्त बैच संचालित हो रहा है और 5 तारीख से इस बैच में कक्षाएं धीरे धीरे प्रारंभ आपकी हुई है। प्री कम मेंस की पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी को आलोक सर के कुशल निर्देशन में एक मंच पर इकट्ठा किया गया है। प्री की फैकल्टी अलग है, मेंस की फैकल्टी अलग है। लगभग 7 महीने की अवधि का यह नवीन बैच 5 तारीख से संचालित होना प्रारंभ हुआ है। एक ही 2 दिन की कक्षाएं इसमें अभी हुई हैं। आइए आप भी इस बैच का हिस्सा बनिए। यदि आपने अफसर बनने का सपना देखा है तो इस बैच से जुड़ने के लिए या तो स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं आप उन नंबर्स पर फोन करके इस बैच में प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं, या यह यूपीपीसीएस के बैच का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप एंट्री पीसीएस लिखकर भेजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सुपर टेट का भी बहुत बढ़िया बैच संस्था में संचालित हो रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप एंट्री सुपर टेट लिखकर आप सुपर टेट के बैच में भी प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। यूपीपीसीएस के लिए मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस का बैच अभी तक के बैचेज में सबसे ऐतिहासिक बैच होने चल रहा है, क्योंकि देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषक एक मंच पर एक साथ हैं। तो यदि आपने वास्तव में पीसीएस बनने का सपना देखा हो तो आप कितने भी सुदूर क्षेत्र में रहते हो आपको ये कमी महसूस नहीं होगी कि आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में नहीं है या आप इलाहाबाद में नहीं है। आप घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं बहुत न्यूनतम फीस में। ये संस्था का एक जबरदस्त प्रयास है आपके लिए। आइए हम आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं रटलो 7। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, हाल ही में भारत सरकार ने देश भर के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों की सूची जारी की है, इसमें शीर्ष पर कौन सा पुलिस स्टेशन है। देखिए, रैंकिंग देने का मतलब यह होता है कि जिस थाने को अच्छी रैंकिंग मिली है वो थाना अन्य थानों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके, मोटिवेशन हो और सभी थाने उच्च श्रेणी में अच्छा कार्य करने की कोशिश करें। इसी क्रम में पहली बार यह सूचकांक जारी किया गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ए। एवरडीन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो थाना है इसको सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग यहां पर दी गई है। क्लियर, यहां पर आपको 4 नाम दिए गए थे जिसमें से जो पहला नाम है वो बिल्कुल क्या है, सही है। यदि हम दूसरे नंबर पर देखें तो बालासिनोर गुजरात का थाना है, बालासिनोर गुजरात का थाना है वो दूसरे नंबर पर है। पूरे भारत से 15,579 थानों को इसमें सम्मिलित किया गया था और डाटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष अवलोकन और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से यह रैंकिंग आपकी बनाई गई है जिसमें इसको सर्वश्रेष्ठ थाने का अवार्ड दिया गया है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में निम्नलिखित में से किस देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इससे पहले भी मैंने जो प्रश्न आपको हल कराया था पिछले वाले रटलों में, मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों को, 6 प्रकार के अल्पसंख्यकों को, कितने देश है, 3 देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। इसके बारे में कुछ डिटेल आप भी नोट कर लीजिए। विधेयक में प्रावधान है, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि 3 देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, प्रस्ताव है। अन्य प्रावधान में 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में आकर रहने वाले 3 देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों, कुल 6 हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों, ईसाइयों को सरकार भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल
असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा। संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा और देशीकरण की अवधि को 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष करने का प्रावधान या प्रस्ताव लिया गया है। तो जो सही उत्तर इसका होगा वो क्या होगा, उपर्युक्त सभी। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में अटल भूजल योजना प्रस्तावित नहीं है? देखिए तीसरा प्रश्न है, सही उत्तर आप लोग करिए, किस राज्य में अटल भूजल योजना प्रस्तावित नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, बिहार। उत्तर होगा डी, बिहार। अब इसके बारे में जानकारी लीजिए कि कौन कौन से राज्य इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, कौन कौन से राज्य इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखिए जो आपका ये योजना है, योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर 2019 को किया गया था। आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। लाभान्वित राज्यों की सूची जो है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 78 जिले। फिर से दोहरा रहा हूं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 78 जिले, ये इससे यहां पर क्या है, लाभान्वित हो रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो बिहार इससे लाभान्वित नहीं हो रहा है दी गई सूची में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए, बिहार होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पर्यटन ट्रेन हिम दर्शन एक्सप्रेस अभी काफी चर्चा में रही, लगभग लगभग सभी समाचार पत्रों में आपने इसको पढ़ा है, हिम दर्शन एक्सप्रेस निम्न में से किन दो राज्यों के बीच चलेगी, यह आपका प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा, यह ट्रेन कालका हरियाणा और शिमला हिमाचल प्रदेश के बीच चलेगी। तो ये आपका जो प्रश्न है ये सही उत्तर क्या होगा, ए, कालका हरियाणा से लेके हिमाचल प्रदेश के बीच में यह ट्रेन आपकी चलेगी। तो ये उत्तर आपका क्या है, सही है। 6 फर्स्ट क्लास एसी विस्टाडोम कोच और 1 फर्स्ट क्लास कोच इसमें लगाया गया है। इस ट्रेन का जो नंबर है 52459 और 52460 है और किराया जो है वो 630 रुपया प्रति यात्री इसका किराया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। पांचवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु यहां पर राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। अब आप समझ लीजिए, पूसा नई दिल्ली में यह पुरस्कार दिया गया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया, मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वितीय के तहत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए अनुमानित 778.53 करोड़ रुपए की लागत वाली 147 सड़क एवं पुल लंबाई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहां पर जम्मू कश्मीर ने किया है। आइए छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में शून्यकाल के दौरान कौन सी भाषा राज्यसभा में पहली बार बोली गई? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिल। सही उत्तर आपका होगा संथाली। संथाली भाषा यहां पर पहली बार बोली गई और क्यों बोली गई यह भी समझ लें। बीजू जनता दल उड़ीसा में बीजू जनता दल के सदस्य सरोजनी हेमब्रम द्वारा इसको बोला गया। सरोजनी हेमब्रम ने मांग की वर्ष 1925 में संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी तैयार करने वाले पंडित रघुनाथ मुर्मू को भारत रत्न दिया जाए। इसकी जो लिपि है उसका नाम क्या है बताइए, ओल चिकी। ओल चिकी अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये संथाली भाषा को पढ़ने की लिपि है ओल चिकी। क्लियर है। ओल चिकी को किसने तैयार किया था? ओल चिकी को तैयार किया था रघुनाथ मुर्मू ने और इन्होंने मांग की कि इनको भारत रत्न दिया जाए। यह ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की शाखा से जुड़ी एक भाषा है। भारत में झारखंड, असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में यह भाषा बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, संथाली। सातवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोबाइल ऐप मधु का शुभारंभ किया। यह ऐप किस हेतु प्रारंभ किया गया, इस ऐप का विषय क्या था? विद्यार्थियों को ई लर्निंग सुविधा प्रदान करने के लिए यह ऐप जो है प्रारंभ किया गया।
तो अगर आपसे पूछा जाए मधु ऐप का संबंध किससे है, शिक्षा से है, विद्यार्थियों को ई लर्निंग सुविधा प्रदान करने के लिए यह ऐप शुरू उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है आपका, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य क्रमशः कौन से है। मैंने कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने भारत सरकार द्वारा जारी सभी आंकड़ों के बारे में आप लोगों से बात की थी और वहीं से प्रश्न है आपसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपको करना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक वीडियो था जो मैंने आपको दिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। वहां पे मैंने आपको यह भी स्पष्ट किया था कि वृद्धि अलग है और सर्वाधिक वन क्षेत्र का होना अलग है। तो वृद्धि वाले जो तीन राज्य हैं वो कौन से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक वृद्धि कहां पे हुई? कर्नाटक में हुई। और ये अगर आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पे है, सर्वाधिक वन कहां पे है, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए? मध्य प्रदेश आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक वन जो है वो कहां पे है बताइए? मध्य प्रदेश पे है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी इंडिया करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह प्रश्न भी मैंने आपको उस दिन जो है डिस्कस किया था कि इसका सही उत्तर आपका होगा बी, राजस्थान। है ना? राजस्थान सबसे भ्रष्टतम राज्य है और केरल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। केरल पारदर्शिता के मामले में सूची के हिसाब से सबसे पहला राज्य है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? राजस्थान होगा। आइए दसवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पोषण एंथम लॉन्च किया। इस एंथम को किसने लिखा? प्रसून जोशी, गुलजार, जावेद अख्तर और ललित जोशी। आज सभी लोग जो है इसका उत्तर करें, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए पोषण एंथम को करो पोषणम नाम दिया गया है और उसको प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी जी ने लिखा है। इसका नाम क्या है? करो पोषणम। क्लियर है? और इसका उद्देश्य क्या है, पोषण एंथम का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का संदेश देना और लक्ष्य लिया गया है कि 2022 तक भारत को पूर्णतः कुपोषण मुक्त बना दिया जाएगा। है ना? पूर्णतः कुपोषण मुक्त बना दिया जाएगा। पोषण अगर हम लोग देखें तो पोषण का फुल फॉर्म है पीएम ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, पोषण का फुल फॉर्म है। आइए तो और इसको गाया किसने है? शंकर महादेवन ने गाया है। इसको गाया किसने? शंकर महादेवन। को लिखा किसने? प्रसून जोशी ने। आइए ग्यारहवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्च अध्ययन के लिए छात्रों की मदद करने के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू की? है ना? महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, मेघालय। बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा असम। असम। अब ये ऋण से संबंधित योजना है, बैंक और ऋण से संबंधित योजना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोग नोट कर लीजिए। असम राज्य की योजना है शैक्षिक ऋण लेने वाले असम के छात्रों को ऋण सब्सिडी प्रदान करना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा के लिए ऋण लेने वाले असम के छात्र छात्राओं को ऋण में सब्सिडी प्रदान करना, शिक्षा के लिए सब्सिडी प्रदान करना, जिससे उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है बताइए? असम। ये कुछ सरकार द्वारा अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं जो सराहनीय है। हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने किस विषय पर एक जागरूकता अभियान लॉन्च किया? केंद्रीय विधि मंत्रालय ने मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व, तो मौलिक कर्तव्य और नागरिकता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मौलिक कर्तव्य। हम सभी लोग जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51 का शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1976 में अनुच्छेद 51 का। स्वर सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वर सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? 8। उस समय जोड़े कितने गए? 10। और वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां है कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 जो बाल्यकाल और उसकी शिक्षा से संबंधित है। तो ये आपका 11वां है ना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेता हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? संवैधानिक दायित्व जो हमारे हैं
उनका प्रशिक्षण और उनकी जागरूकता, मतलब मौलिक कर्तव्य जो हमारे दायित्व हैं, उन दायित्वों के का प्रशिक्षण अगर किसी को ना पता हो और इसके बारे में जागरूकता करना और सभी व्यक्तियों को इसके बारे में बताना। आइए 13वां, केंद्र सरकार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना कहां की? देखिए, केंद्र सरकार ने भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना लोथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है लोथल, हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। और लोथल कहां पे है? गुजरात में है। इस संग्रहालय की स्थापना पुर्तगाली समुद्री विरासत संग्रहालय की तकनीकी मदद से की गई, मतलब पुर्तगाल इसमें तकनीकी प्रदान कर रहा है, उस हिसाब से की गई, गुजरात के सौराष्ट्र तट पर। ठीक है, ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह संग्रहालय समुद्री इतिहास, नाव निर्माण की पुरातत्व तकनीक और व्यापार सामग्री के पुनर्निर्माण के लिए पानी के भीतर एक पुरातत्व का स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र भी होगा। मतलब न केवल यह संग्रहालय होगा बल्कि समुद्र से संबंधित तकनीकी का एक अनुसंधान केंद्र भी होगा। लोथल सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल भी है, प्रमुख बंदरगाह भी है। आइए 14वां प्रश्न है आपका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार वर्ष 2018 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्माता था? 2018 की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत का स्थान कौन सा था? 10वां था, और उसके बाद अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, और इस वर्ष की एक परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसलिए मैं इस प्रश्न की चर्चा आपसे कर रहा हूं यहां पर। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? बी। प्रश्न को एक बार फिर से पूरा देख लीजिए आप, सही उत्तर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। क्लियर, 10वां है। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 17वां भारत ईयू यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, जेनेवा, बताइए। यह प्रश्न मैं एक बार और भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, बताइए कि इसका सही उत्तर आप बताइए क्या होगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स इसका सही उत्तर होगा। आप में से बहुत सारे लोग सही उत्तर कर भी रहे हैं। 2020 में इसका आयोजन किया जाना है। द्विपक्षीय व्यापार, निवेश समझौते, यूरोपोल, आतंकवाद निरोध, यूरोटोम, जलवायु परिवर्तन आदि इसके प्रमुख विषय हैं। क्लियर है। 16वां प्रश्न है आपका, निम्न पश्चिमी अफ्रीकी देशों में से कौन सा देश 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों जिनके द्वारा साझा नई मुद्रा की शुरुआत घोषणा की गई सूची में शामिल नहीं है? देखिए, 8 अफ्रीकी देशों द्वारा एक नई मुद्रा की जो है घोषणा की गई, जो वहां पर चलेगी, उस मुद्रा का नाम मैं बता रहा हूं। फिलहाल आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन इस सूची में शामिल नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा? लाइबेरिया इस सूची में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लाइबेरिया इस सूची में शामिल नहीं है। अब मैं इसके बारे में आपको जानकारी दू, कौन कौन से वो 8 देश हैं जो शामिल हैं? माली, नाइजर, सेनेगल, बेनिन, टोगो, बुर्किना फासो, गिनी बिसाउ और आइवरी कोस्ट। जो प्रस्तावित साझा मुद्रा है उसका नाम है इको, जो प्रस्तावित साझा मुद्रा है उसका नाम है इको, और 2020 से इन 8 देशों में यह मुद्रा प्रचलन में आ जाएगी। तो ये तीनों ही शामिल है, लाइबेरिया इसमें शामिल नहीं है। 17वां प्रश्न, हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना? 4 नाम है आपके, एंजेला मर्केल, नरेंद्र मोदी, ग्रेटा थुनबर्ग और डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, इसका सही उत्तर होगा श्री सी ग्रेटा थुनबर्ग। आप सभी जानते हैं कि ये जो ग्रेटा थुनबर्ग हैं, स्वीडन की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री हैं। क्लियर, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिष्ठित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, सी ऑप्शन आपका सही होगा। टाइम पत्रिका की बात कर रहा हूं, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी, इसीलिए मैंने दोनों एक साथ रखा, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं 2019 की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? अब आपका सही उत्तर यहां पर होगा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। भारत से भी यहां पर 3 व्यक्ति शामिल हैं, आपकी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी शामिल है, इसके अलावा 2 और व्यक्ति यहां पर शामिल है। निर्मला सीतारमन जी का स्थान 34वां है, रोशनी नाडार मल्होत्रा का स्थान 54वां है और किरण मजूमदार शाह का स्थान 65वां है। इस पत्र का
इस पत्रिका में भी 100वें स्थान पर ग्रेटा थुनबर्ग शामिल है। तो ग्रेटा थुनबर्ग टाइम में भी शामिल है, पहले स्थान पर है, और फोर्ब्स में भी शामिल है, वो यहां पर कौन से स्थान पर है, 100वें स्थान पर है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, ए हो जाएगा। 19वां प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनयूपी द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019 प्रकाशित की गई, इसके अनुसार पिछले एक दशक में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष कितने की वृद्धि हुई। इसका सही उत्तर होगा 1.5% की, 1.5% की वृद्धि यहां पर दर्ज की गई। तो डी ऑप्शन जो यहां पर होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंक नोट के मूल वर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। ध्यान से समझ लीजिए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट के मूल वर्ग की पहचान करने के लिए किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया, मणि, दृष्टि, नेत्र, नयन। इसका सही उत्तर होगा मणि। इसका सही उत्तर क्या है बताइए, मणि है। मणि का निर्माण यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। इस मणि का फुल फॉर्म क्या है, मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म है मणि। इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है आपका, नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी खास सामग्री शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन है अंडा, यह भी शामिल है, दूसरा है मछली, यह भी शामिल है, तीसरा है चिकन एवं मीट, यह भी शामिल है। तो आपका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अब बात यह है कि ऐसा नीति आयोग द्वारा क्यों किया जा रहा है। भारत में कम पोषण रैंकिंग की में सुधार करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इन लोगों को, इन वस्तुओं को शामिल किया जा रहा है। नीति आयोग के 15 वर्षीय विजन दस्तावेज का एक हिस्सा यह भी हो सकता है भविष्य में, है ना। 15 वर्षीय जो विजन दस्तावेज है उसका एक हिस्सा यह भी हो सकता है ये उसकी सूची में शामिल होने जा रहा है, पूरी संभावना है, क्योंकि लगभग लगभग इसकी अनुमति जो है मिल चुकी है। आइए 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, टाइफून फान फोन से प्रभावित देश कौन सा रहा। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा टाइफून कहां पे आया, तो आपसे पूछा गया है कि टाइफून फान फोन से प्रभावित देश जो आपका है वो कौन सा रहा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा फिलीपींस, है ना। फिलीपींस में ये रहा, फिलीपींस में पिछले वर्ष बहुत सारे तूफान टाइफून आए, तो टाइफून फान फोन भी वहीं आया, तो इसका सही उत्तर है आपका फिलीपींस। आइए 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल ने भारत की पहली लिग्नाइट आधारित 500 MW की तापीय इकाई को कहां पर चालू किया। चार ऑप्शन है आपके, इसका सही उत्तर आपका होगा तमिलनाडु कुडालोर जिला, है ना, कुडालोर जिला तमिलनाडु, भेल द्वारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले संयंत्र में इसको शुरू किया गया, है ना। यह देश का पहला लिग्नाइट आधारित 500 MW ताप विद्युत संयंत्र है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका बताइए, तमिलनाडु में इसको प्रारंभ किया गया है। 24वां प्रश्न है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान टिसॉय ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया बताइए, टिसॉय ने किस देश को प्रभावित किया यहां पर। तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस। देखिए मैंने कहा फिलीपींस सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, और यहां से प्रश्न बनना आपका तय है, फानफोन भी वहीं आया था और टिसॉय भी वहीं आया, तो इसका सही उत्तर आपका क्या है बताइए, फिलीपींस। जो प्रश्न फैक्चुअल है मैं उनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। 25वां, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में वर्ष 2018-17 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है, है ना। 25वां प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा बी, 28% की कमी आई है, 28% की कमी आई है, बी ऑप्शन सही होगा, है ना। आप में से बहुत सारे लोग सही उत्तर कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए 2018 में विश्वभर में मलेरिया के अनुमानित जो मामले सामने आए वो 228 मिलियन है, क्लियर।
लगभग लगभग 4,05,000 लोगों की मृत्यु हुई मलेरिया से, क्लियर। और सर्वाधिक मलेरिया के जो मामले हैं वो अफ्रीकी क्षेत्र में आए, क्लियर है। सर्वाधिक मलेरिया के जो मामले हैं वो अफ्रीकी क्षेत्र में आए। भारत में इसमें 28% की कमी आई है। मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित 4 देशों की सूची से भारत बाहर है ना। पहले भारत इन 4 देशों की सूची में शामिल था, लेकिन इस समय भारत मलेरिया से प्रभावित सर्वाधिक जो 4 देश हैं उनकी सूची से क्या हो गया, बाहर हो गया। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 28%। आइए इसी के साथ 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, पहले देखिए मेरी पुस्तक है रीजनिंग की, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो इस पुस्तक को आप ले सकते हैं, 9452275777 ये नंबर है ना। यहां पर आप या तो WhatsApp पर बुक लिखकर भेज दीजिए या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग की एक प्रमाणित पुस्तक, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बार आप ले लेंगे तो आप किसी को इसको पढ़ के गिफ्ट कर दीजिए, ये कभी नहीं बदलेगी, बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त है ना। जिन लोगों के पास है वो कमेंट कर सकते हैं। आइए 26वां प्रश्न आपके सामने, यूरोपीय संघ के जलवायु तटस्थता समझौता 2050 में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। चेक गणराज्य शामिल है, हंगरी शामिल है, फ्रांस शामिल है, पोलैंड इसमें शामिल नहीं है ना। तो आपका सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, ए पोलैंड आपका उत्तर सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है, ये 27वां प्रश्न है। तो देखिए भारत का जो स्थान है वो है 9वां, भारत का जो स्थान है वो है 9वां। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि पहले स्थान पर यहां पर कौन सा है, कौन कौन सा देश है, तो आप देख लीजिए। जारी सूचकांक किसने किया, जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसमें 9वां स्कोर है भारत का, 2019 में 11वां स्थान था और 2020 में 9वां स्थान हो गया। इस सूचकांक में सबसे अच्छा स्कोर जो किया है वो स्वीडन ने किया है, सबसे अच्छा स्कोर जो किया है वो किसने किया है, स्वीडन ने किया है। इसके मानक के अनुसार पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश अब स्थान प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि वो सभी मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। चौथा स्थान स्वीडन का है जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है और भारत का स्थान 9वां है, क्लियर। आइए 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में लंदन यूके में संपन्न मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता। बारेसा पॉन्स, टोनी एन सिंह, जोजो बनी टुंजी, ओफेली मोजनी। टोनी एन सिंह ने खिताब जीता और ये जमैका की हैं, कैरेबियाई द्वीप समूह जमैका की हैं, क्लियर। भारत की जो सुंदरी थी वो यहां पर थर्ड रनर अप रही और सेकंड रनर अप रही फ्रांस की सुंदरी ओफेली मोजिनो, नीचे नाम लिखा है। और भारत की सुंदरी का नाम था सुमन राव, है ना, सुमन राव ये थर्ड रनर अप रही। आइए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रेसिडेंट कलर सम्मान से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया। प्रेसिडेंट कलर सम्मान, तो इसका सही उत्तर है आपका गुजरात, है ना। अब हमें देखना है कि सम्मान क्यों दिया जाता है, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया गुजरात से, तो इसके बारे में भी डिटेल्स आप पेन डाउन कर लीजिए यहां पर। हाँ, प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित गुजरात देश का 7वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना। अभी तक इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, असम और जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया जा चुका है। प्रेसिडेंट कलर्स जो मेडल है देश पुलिस बल को प्रदत्त सर्वोच्च सम्मान है, ये सर्वोच्च सम्मान है प्रेसिडेंट कलर्स मेडल, क्लियर। हाँ, प्रेसिडेंट कलर्स का अन्य नाम है निशान, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, निशान मेडल, क्या कहते हैं, निशान मेडल। ये पुलिस से को इससे सम्मानित होने वाला, पुलिस को सम्मानित किया जाने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ मेडल है और गुजरात को यह मेडल दिया गया है। 30वां प्रश्न है, यहां पर हाल ही में शस्त्र रामानुज पुरस्कार पाने वाले प्रोफेसर एडम हार्पर किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। देखिए रामानुज पुरस्कार है तो निश्चित रूप से आप समझ गए हैं कि पढ़ाई लिखाई और गणित से ही यह संबंधित होगा। इसका सही उत्तर होगा वार्विक विश्वविद्यालय, है ना। तो वार्विक विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर एडम हार्पर ये वरिष्ठ गणितज्ञ हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है, क्लियर है। आइए, यह पुरस्कार बी ऑप्शन सही होगा, 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को ही दिया जाता है, इसकी खास बात है ना। आइए 31वां प्रश्न,
66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? फिल्म अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, गलत है। फिल्म पैडमैन को सामाजिक विषयों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, सही है। आयुष्मान खुराना व विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 23 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान की, यह भी सही है। पहला वाला गलत है क्योंकि यहां पर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया वो गुजराती फिल्म हेलारो को दिया गया, गुजराती फिल्म हेलारो, और यहां पर लिखा है अंधाधुन, यही इसमें गलती है ना। तो ए ऑप्शन इसका गलत है। 32वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। मैंने इससे पहले वाले रटलों में भी यह प्रश्न आपको हल कराया था, उड़ीसा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहां पर देखिए, जो भी आपके आय निवास जाति में सभी प्रमाण पत्र हैं वो अब आपको सब ऑनलाइन दिए जाएंगे, समय की भी बचत होगी, पारदर्शिता भी होगी और आप आसानी से त्रुटियों से बचते इसको प्राप्त कर सकते हैं। उड़ीसा ऐसा करने वाला पहला राज्य है। आइए 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 से किसको सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। इससे पहले वाला पुरस्कार विनोद खन्ना जी को दिया गया था जो मरणोपरांत था, और यह भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 दिया गया? देखिए, आईसीसी ने, बीसीसीआई ने बहुत सारे अवार्डों की घोषणा की है, इसका सही उत्तर होगा कृष्णमाचारी श्रीकांत। ओपनर बल्लेबाज है भारत के पहले, बहुत विस्फोटक, और उनको क्रिकेट में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके अलावा और भी अवार्ड मिले हैं, उनको भी आप पेन डाउन कर लीजिए, आराम से सुन लीजिए मैं बोल रहा हूं। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिस महिला को मिला है उसका नाम है अंजुम चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा। पाली उमरीगार अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के लिए जसप्रीत बुमराह को दिया गया है बीसीसीआई द्वारा, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला बीसीसीआई का स्पेशल अवार्ड पूनम यादव को दिया गया है। क्लियर है, पूनम यादव को दिया गया है। तो ये तीन अवार्ड और इसके अतिरिक्त भी प्रदान किए गए हैं, इसका सही उत्तर होगा आपका ए। 35वां प्रश्न, हाल ही में सप्त मातृका का प्राचीन संस्कृत शिलालेख कहां खोजा गया? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बताइए, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका है आंध्र प्रदेश में खोजा गया। क्लियर, आंध्र प्रदेश में ये खोजा गया। अब सप्त मातृका का प्राचीनतम संस्कृत शिलालेख, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए, मैं बोल रहा हूं आप पेन डाउन कर लें। यह गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में मिला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की पुरालेख शाखा ने इसको खोजा है। इस शिलालेख की जो भाषा है वो संस्कृत एवं ब्राह्मी है। सातवाहन वंश से संबंधित यह अभिलेख है ना, सातवाहन वंश से संबंधित अभिलेख है, और हिंदू धर्म में पूजित सात देवियों के समूह के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, इसलिए इसको सप्त मात्र का नाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश का सही उत्तर है। 36वां प्रश्न है, हाल ही में ईट राइट मेला, ईट राइट मेला का द्वितीय संस्करण कहां आयोजित किया गया है ना, ईट राइट मेला। तो देखिए, ईट राइट मेला का द्वितीय संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया। क्लियर है, नई दिल्ली। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, नई दिल्ली। 37वां प्रश्न, हाल ही में भारत एवं नेपाल के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को, अभ्यास कौन सा था? सूर्यकिरण, मित्र शक्ति, इंद्र या वरुण, बताइए कौन सा है? ए सूर्यकिरण, कौन सा? सूर्यकिरण, सही उत्तर आपका होगा सूर्यकिरण। 38वां प्रश्न, भारत के उस जिले का नाम क्या है जिसे वर्ष 2019 के लिए जल स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यूनिसेफ द्वारा सम्मानित किया गया, बताइए? तो इसका सही उत्तर आप लोगों का होगा ए कामरेड्डी जिला तेलंगाना, कामरेड्डी जिला तेलंगाना, इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा। यूनिसेफ के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, किस कार्य हेतु जल स्वच्छता स्वास्थ्यकारिता क्षेत्रों में अच्छा प्रश्न में लिखा हुआ है, इसका यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 39वां प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पोर्ट्स ऑफ कॉल घोषित किया गया?
पोर्ट्स ऑफ कॉल घोषित किया गया। आपको यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर है आपका मोंगला एवं चटगांव। मोंगला एवं चटगांव बंदरगाह को पोर्ट्स ऑफ कॉल घोषित किया गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं जल्दी से आपको बोल देता हूं, देख लीजिए है ना। भारत और बांग्लादेश के लिए तटीय पोत परिवहन समझौता इसके तहत किया गया। क्या ऐसा बंदरगाह जिसका प्रयोग मालवाहक एवं यात्री जहाजों द्वारा सामान और यात्रियों को उतारने चढ़ाने तथा ईंधन की आपूर्ति में होता है, ऐसे बंदरगाह को पोर्ट्स ऑफ कॉल कहा जाता है ना। अक्टूबर 2019 में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य मोंगला तथा चटगांव बंदरगाहों के उपयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर किए गए। आइए 40वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या तो नागालैंड। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए मणिपुर, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? संतरा और इसके उत्पादकों को प्रेरित करना, है ना। इसका सही उत्तर है मणिपुर और इसका उद्देश्य संतरा एवं इसके उत्पादकों को प्रेरित करना। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य द्वितीय 2+2 वार्ता कहां आयोजित हुई? पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई थी। आपसे पूछा गया है कि द्वितीय 2+2 वार्ता कहां आयोजित हुई? वाशिंगटन डीसी में, है ना। यह रक्षा से संबंधित समझौते हैं और भी तमाम समझौते इसमें शामिल हैं। पहली 2+2 वार्ता जो हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी और दूसरी कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। आइए देखिए, होली का माहौल चल रहा है, आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है आप स्वच्छ और अच्छी होली खेलें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, आप अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। ये सब जो त्योहार होते हैं सब प्रेम के प्रतीक होते हैं त्योहार। हमारी पूरी संस्था की तरफ से आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं, मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी लोगों को होली बहुत अच्छी हो, प्रेम पूर्वक हो और बहुत शालीनता के साथ आप इस त्यौहार को एंजॉय करें ताकि प्रेम सौहार्द बना रहे। ये एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से आपके लिए था। आइए अब इस प्रश्न पर चलते हैं शुभकामनाओं के साथ। हाल ही में व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी में उद्गार हुआ, यह आइलैंड कहां पर है? देखिए क्या व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी में उद्गार हुआ, यह आइलैंड कहां पर है? 42वां प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा यह आइलैंड न्यूजीलैंड में स्थित है, है ना। इसके और भी कई नाम है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके और भी कई नाम है। इसको हम लोग कहते हैं वाहकारी, न्यूजीलैंड का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, निजी स्वामित्व वाला द्वीप पर्यटन स्थल भी यहां पर है। 43वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द को हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? क्लाइमेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जलवायु आपातकाल, जलवायु आपातकाल, जलवायु आपातकाल, क्लाइमेट इमरजेंसी, है ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा इसको वर्ड ऑफ 2019 इसको क्या किया गया? चुना गया, क्लियर। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 44। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की? अस्त्र शस्त्र से संबंधित है, आयुध संशोधन विधेयक 2019। कुछ इसके प्रावधानों पर मैं चर्चा कर देता हूं जिससे आपको इससे कनेक्ट करने में आसानी हो। तो इसका सही उत्तर है आपका, बताइए, आयुध संशोधन विधेयक 2019। प्रति व्यक्ति शस्त्र लाइसेंस की संख्या में कमी की जाएगी, कुछ अपराधों के लिए दंड में वृद्धि की गई है, आयुध अनुज्ञप्ति की अवधि 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है, 3 वर्ष से, नए अपराधों को परिभाषित करना और उनके लिए दंड विहित करना, बिना प्रतिबंध क्या किया गया, बिना लाइसेंस शस्त्रों के निर्माण, बिक्री, प्रयोग, अंतरण, परिवर्तन और परीक्षण पर पूर्णता प्रतिबंध है, है ना। 45वां, हाल ही में कालबुर्गी हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, यह हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित था, अवस्थित है, थाने है, बताइए। तो कालबुर्गी हवाई अड्डा कहां पर है? तो आपका सही उत्तर होगा सी कर्नाटक में, कहां पर है? सी कर्नाटक, आई सी कर्नाटक में ये है, है ना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने जो है इसका उद्घाटन किया। आइए
14 से 27 नवंबर 2019 के मध्य 39वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पे हुआ? इस प्रश्न को मैं एक बार और आप लोगों से जो है करा चुका हूं सही, ए नई दिल्ली में, ये आयोजित हुआ प्रगति मैदान में। आइए, नई दिल्ली, प्रगति मैदान। जनवरी 2020 में विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक कहां आयोजित की जाएगी? ज्यूरिख, म्यूनिख, जेनेवा, दावोस, बताएं कहां पर की जाएगी आयोजित। आप लोग इसका सही उत्तर दें, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, दावोस में की जाएगी, स्विट्जरलैंड में, है ना, दावोस स्विट्जरलैंड में। 48वां प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट की 2019 की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? यह भारत से संबंधित जो सूची है सेलिब्रिटी की, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ विराट कोहली को, दूसरा स्थान भारत में प्राप्त हुआ अक्षय कुमार को, तीसरा स्थान सलमान खान को, फिर अमिताभ बच्चन है चौथे पे, और महेंद्र सिंह धोनी है पांचवे पे। इस सूची में कुल 30 महिलाएं हैं, जिसमें आलिया भट्ट की रैंक 8वीं है और दीपिका पादुकोण की 10वीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, विराट कोहली। 49वां प्रश्न है आपका, विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस वर्ष ये प्रश्न एक बार पूछा भी जा चुका है, 4 जनवरी इसका सही उत्तर है, 4 जनवरी को। 50वां है, हाल ही में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? तो बताइए हैंड इन हैंड किस किस के बीच हुआ? भारत और चीन के मध्य यह आयोजित किया गया, है ना। आइए, एक दूसरे के अनुभवों से सीखना और बहुत अच्छी तरह से इन प्रक्रियाओं को जानना। तो ये आज के 50 प्रश्न थे। मैंने प्रारंभ में ही बताया कि यूपीपीसीएस के और सुपर टेट के बैच बहुत अच्छे से संचालित हो रहे हैं संस्था में। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी तरह से प्रतिबद्ध है आपको सर्व करने के लिए। पूरे संस्थान की तरफ से, टारगेट मुताबिक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों को प्रेम के त्यौहार होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप बहुत स्वच्छ, अच्छी और प्रेम पूर्वक होली मनाएं, हमारी आपसे यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।